गुड मॉर्निंग कक्षा 10 के विद्यार्थियों, ट्रांसलेशन का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लास 10 के लिए पहचान, जैसा कि कल हमने बताई थी कि लास्ट में एंड होने वाले शब्दों को ता है, ती है, इत्यादि को देखना। इससे हम ये जान जाएंगे कि सेंटेंस जो है वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। अफर्मेटिव के बाद में दूसरा स्टेप आता है कि अगर सेंटेंस नकारात्मक यानी कि नेगेटिव स्टेप में दिया हुआ है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, नाम है, पोस्ट है, रिलेशन है या सिंगुलर नाउन है। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डज नॉट का यूज करना। डज इसमें सहायक क्रिया का काम करेगा और नॉट इसमें नहीं की अंग्रेजी के रूप में काम करेगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लेना है, प्लेस लेना है, टाइम लेना है। इसके अलावा भी यदि अन्य कोई शब्द आते हैं यानी कि एडवर्ब वगैरह हैं तो उनको बिल्कुल लास्ट में लगा देना। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लोरल है, अर्थात आई है, ही है, सी है, वो आई है, यू है, वी है, दे है या कोई प्लोरल नाउन है, समूह है, तो आपको डज नॉट के स्थान पर डू नॉट यानी कि डोंट का यूज करना है। डोंट का मतलब डू नॉट ही है, डू नॉट का यूज करना है। इसके बाद में वर्ब को फर्स्ट बार में ही लगाना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है, प्लेस लगाना है, टाइम लगाना है, बचा हुआ एडवर्ब इत्यादि अगर कोई रीजन सूचक शब्द है तो उसको भी आप प्रयोग कर देंगे। पहला एग्जाम्पल हम फॉर्मूला नंबर 1 के हिसाब से दिखा रहे हैं। इसका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का वह है, वर्ब इसकी पूरा नहीं करता है, कंप्लीट यानी कि वर्ब पूरा करना है, बीच में शब्द नहीं आया हुआ है, इस नहीं के लिए नॉट लगाया गया। लेकिन डज का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे कार्य करता है, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि मुख्य क्रिया तो इसकी कंप्लीट है। इस प्रकार से ही डज नॉट कंप्लीट हिज होम वर्क। इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है जो कि नहीं के लिए लगाया गया है, कंप्लीट इसकी मेन वर्ब है, हिज होमवर्क इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से सेंटेंस ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क ट्रांसलेट हो गया हिंदी से इंग्लिश में। अब फॉर्मूला नंबर 2 के हिसाब से देखते हैं। हमने पहले ही कहा कि सब्जेक्ट हमारा यू है, वी है, दे है, आई है, आई को भी इस टेंस में प्लोरल फॉर्म में ही माना जाता है। तो अगर ये आई है, यू है, वी है तो हम क्या करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे। अब देखो तुम यानी कि यू सब्जेक्ट है तो हमें डू नॉट का यूज करना है। तो यू डू नॉट पढ़ते हो यानी कि अध्ययन करते हो, स्टडी इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, और आप यानी कि एडवर्ब भी लगाना है। तो यू डू नॉट स्टडी इन दिस स्कूल नाउ, अब आप इस विद्यालय में अध्ययन नहीं करते हैं, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो इस प्रकार से आप ता है, ती है, ते है जैसे वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं और उनमें अगर नहीं का प्रयोग किया गया है तो आप उसका बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेशन करने में सक्षम हो जाएंगे। सिर्फ आपको इस फार्मूले नंबर 1 और फार्मूले नंबर 2 को सेट करने के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, मेन वर्ब को, डज डू का फैसला करने के बाद, नॉट के यूज को करने के बाद में इस प्रकार के वाक्य को आप बना सकते हैं। अब अगर यहां पर मान लीजिए वो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है कि जगह पर हम ये कह देते कि वो अपना गृह कार्य कभी पूरा नहीं करता है, तो आप डज नॉट के स्थान पर नेवर का यूज कर देते और डज नॉट के स्थान पर नेवर लगाने के बाद कंप्लीट में एस लगा देते। इसी प्रकार से तुम इस विद्यालय में अब नहीं पढ़ते हो की जगह होता तुम इस विद्यालय में कभी नहीं पढ़ते हो, तो इसका मतलब हो जाता कि यू नेवर स्टडी इन दिस स्कूल और ना होगा तो हम यूज नहीं करते। तो कुल मिलाकर के आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बड़ी आसानी से ट्रांसलेट किया जाए इस चीज को हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है। आई थिंक यू बेटर स्टूडेंट दिस पॉइंट एंड दिस सिस्टम, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, हाउ टू ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस, अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, थैंक्स।